तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है। आई नो। वेलकम अगेन टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सर? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज का मेरा जो दिन भर गुजरने वाला है वो आज मैं आपके साथ पूरा दिन गुजारने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का दिन। और आज का दिन होने वाला है बहुत ही मजेदार भी और जैसा भी मजे में है, मतलब थोड़ा सा सजा भी थोड़ा सा मजा भी, इस तरह का कुछ आज का रूटीन होने वाला है। क्योंकि वो जो आपने बहुत सारे न्यूज चैनल में अभी सुना है ना, अग्निवीर का जो स्कीम है उसका जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस वजह से हर एक स्टेट्स और हमारे पूरा इंडिया हमारे पूरे कंट्री में इसका प्रोटेस्ट चल रहा है और अग्निवीरों के बारे में। और ये व्लॉग मैं इसलिए शूट कर रही हूँ स्पेशली क्योंकि आज जो है हमारे इस जो ये स्कीम की वजह से, इस परेशानी की जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसकी वजह से, जो अग्निवीरों में जो ये जो कुछ भी चल रहा है अग्निवीरों को लेके, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, इस वजह से हम टीचर्स और स्टूडेंट्स का इतना नुकसान हो रहा है कि क्या ही बोलूं मैं। आज हमारा स्कूल बंद है, आज 11th और 9th का एग्जाम था, फर्स्ट आवर में 11th का और सेकंड आवर में 9th का पेपर था, वो कैंसिल हो गया इस एग्जाम के इस प्रोटेस्ट की वजह से। और ऊपर से ये जो ट्रेन व्रेन जलाना और पता नहीं क्या क्या ये कर रहे हैं, आपको तो आपने सारा कुछ तो न्यूज चैनल में देखा ही होगा, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों करवाया जा रहा है, ये सब मेरे समझ के बाहर है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम टीचर्स और हमारे स्टूडेंट्स का बहुत ही नुकसान हो रहा है इस प्रोटेस्ट की वजह से। उसी चक्कर में हमारी आज छुट्टी हो रखी है और हम घर पर हैं और हमारे बच्चों की पढ़ाई वेस्ट जा रही है। वो लोग बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, उनको तो लगता है कि हाँ छुट्टी मिल गई पढ़ाई बंद, तो इस वजह से पढ़ाई भी नुकसान हो रही है। खैर जो कुछ भी हो जल्दी शांत हो जाए, जल्दी नॉर्मल हो जाए अच्छा होगा। और आज मैं अपना डेली रूटीन जो होता है वो उसमें थोड़े से चेंजेस आ गए हैं इस प्रोटेस्ट की वजह से भी। मैं फटाफट अपना काम करके स्कूल चले जाती हूँ, उसके बाद जो बचा कुचा काम होता है वो घर आके करती हूँ। बट अभी क्या है, थोड़ा सा रिलैक्स मूड में चल रहा है सारा काम और मेरे घर में कोई है नहीं एक्चुअली। मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी घर पर नहीं है। मैंने लास्ट किसी ब्लॉग में बताया था कि वो मेरी सिस्टर इन लॉ के घर गई हुई है घूमने के लिए, तो अभी तक आई नहीं है। उनके आईज का ऑपरेशन है, उनके कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराना है, तो अभी तक आई नहीं है वो। और मेरे हस्बैंड भी एक ट्रिप पर चले गए हैं, उनके ऑफिस की तरफ से कोई मीटिंग था तो उधर चले गए हैं, तो इस वजह से अभी मैं अकेले थी घर पर। बट इस सिचुएशन की वजह से मुझे एक और बेनिफिट हुआ है इन लोगों के जाने की वजह से कि मेरी जो मम्मा है वो मेरे साथ यहाँ पर है ताकि मैं अकेले ना रहूं। तो अभी मैं, मम्मा और कुहू है घर पर। तो ये सारा कुछ चल रहा है, ये प्रोटेस्ट वगैरह के चक्कर में बहुत परेशानी हो रही है, ट्रेन वगैरह बंद है, आना जाना बंद है, जो एक आसपास के कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो सब, जो मेरे स्कूल के सारे टीचर्स हैं वो ट्रेन से क्लास अटेंड करने आती हैं वो नहीं आ पा रही हैं, क्लासेस बंद हैं, तो बहुत परेशानी हो रही है। बट जो भी हो, तो मैं बेसिकली आज व्लॉग अभी इसलिए स्टार्ट कर रही थी क्योंकि आज मैं घर पर थी, तो मैंने सोचा कि चलिए एक डेली व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो सुबह का मेरा सारा काम हो गया है, जैसा कि आपको पता है कि मैं अकेले हूँ तो अभी घर और मंदिर दोनों करते करते हालत बहुत ही खराब हो जाती है। तो वो सब करने के बाद आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था पास्ता, तो ब्रेकफास्ट वगैरह तो खत्म हो गया है और अभी मैं बना रही हूँ लंच। तो लंच के लिए ये देखिए
मैंने दाल बना लिया है और इधर मैंने बनाया है झिंगली का सब्जी। ये देखिए इधर मैंने बनाया है ये झिंगली का सब्जी। और अभी मैंने इंडक्शन के ऊपर में वो देखिए पानी बॉईल होने को रखा था, अभी मैंने उसको बंद कर दिया था क्योंकि उसका जो मोटर आवाज करता है तो कैमरा में जाता है इस वजह से। तो चावल को पानी में सोख करके रखा था, ये देखो। तो चावल मैंने बनने के लिए चढ़ा दिया है और इधर मेरा सब्जी और दाल बन गया है। दाल को भी तड़का लगाना बचा हुआ है और अभी मुझे बनाना है ये आलू और परवल कट करके सब भुजिया बनाऊंगी। तो पहले ये कट करती हूँ। ये देखिए गाइस ये हमारा भुजिया कट हो गया है आलू और परवल का। इसको ढक के रख देते हैं, ये झिंगली की सब्जी रेडी है तो इसको ढक के रख देते हैं और कढ़ाई में अभी भुजिया बनाते हैं। फाइनली हमारा जो है लंच प्रिपेयर हो गया है, भोग लगा दिया है मैंने आपने देखा। और अभी कुह को नहलाने का टाइम है तो अभी मैं जा रही हूँ कुह को नहलाऊंगी और उसके बाद उसको लंच कराऊंगी। मेरे किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया है, ये देखो मैंने सारे जो खाना बनाने के बाद यूटेंसिल्स से वो सब वॉश कर दिए, ये देखो रैक वगैरह सब कुछ साफ कर दिया है। ये हमारा भुजिया रेडी है, वो जो मैंने भोग लगाया था अभी, जो मैं भोग लगा के आई थी ना सब्जी, वो सारा जहाँ से निकाला था वहाँ रख दिया, मतलब सारा भोग का खाना हो गया, सारा प्रसाद हो गया। और ये मैंगोज जो है वो मैं अभी खा जाऊंगी, पहले कुह को नहला के आऊंगी फिर। तो सारा कुछ यहाँ का काम खत्म हो गया है, दाल चावल सब्जी सब रेडी है, रोटी भी बनाई थी जो मैंने भोग लगाई है। और ये एक गैया की रोटी है जो मैं अभी, ये वाली एक गैया की रोटी है जो मैं अभी उसको देने के लिए जाऊंगी। और ये मैंगोज जो मैंने भोग लगाया था वो मैं अभी खा जाऊंगी। और रोटी मैंने कैसरोल में रख दिया है। और ये देखो मैंने यहाँ पर रखा है पानी बॉइल होने के लिए और ये हल्का सा, मतलब हल्का ल्यूकवार्म होने के लिए। एक्चुअली वो है ना, उसको हल्का ल्यूकवार्म वाटर से ही नहाने की आदत है, वो नॉर्मल वाटर से नहा नहीं सकती है, उसको थोड़ा सा मतलब एक बार ही पानी डालने पर थोड़ा सा चिल्ड सा फील होता है ना, इसलिए उसको वो टॉलरेट नहीं होता, इसलिए मैं उसको हल्का सा ल्यूकवार्म वाटर से नहलाती हूँ। तो अभी मैं उसको नहला के आती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। तो गाइस सारा काम खत्म होने के बाद एक कप चाय, मतलब मैं इस ग्लास में पीती हूँ इसीलिए। तो गाइस चाय पीती हूँ मैं अभी, थोड़ा सा चाय सारा काम खत्म होने के बाद। और अभी मैं कुह को नहला के आई हूँ और आज कुह को मैं बनाने वाली हूँ ये वाला ड्रेस। और इसको मैंने मीशो से बाय किया है, बहुत ही कंफर्टेबल फ्रॉक है ये देखो।
और ये कॉम्बो में आया था ऐसा ही सेम, एक ग्रीन कलर का भी है तो आज उसको पहनना है पिंक कलर का, तो मैंने ये मैं अभी उसको ये पहनाने वाली हूँ। अगर आपको ये चाहिए होगा अपने बच्चों के लिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत ही कंफर्टेबल है समर्स के लिए, बिल्कुल सॉफ्ट सा कपड़ा है ये देखो, तो अभी मैं उसको पहना देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो गाइस यही इसका ड्रेस मैंने जो लिया था, ये देखो कितना अच्छा सा इसके इसको कंफर्टेबली फिट हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं लिंक डाल दूंगी। मैंने मीशो से बाय किया है और बहुत ही रीजनेबल रेट पर मिला है, 320 रुपीज का है, दो का सेट है, कॉम्बो में आया है, इसका एक ग्रीन कलर भी अवेलेबल। तो फ्रेंड्स दोपहर को लंच वंच करने के बाद फिर हम आराम करने लगे थे और उसके बाद मम्मा ने कहा कि बहुत दिनों से आए हैं और कहीं घूमने नहीं गए हैं, घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो चलो कहीं घूमाते हैं। तो मैं मम्मा के साथ थोड़ा हमारे घर की तरफ जो हमारे खेत हैं और उधर ही मैं मम्मा को लेके घूमने के लिए गई हुई थी। तो ये देखिए, और साथ में कुछ नेबर्स भी रास्ते में मेरे साथ आ गए थे, तो हम सब इधर खेतों की तरफ घूमने जा रहे हैं। एंड ट्रस्ट में इतना ब्यूटीफुल नज़ारा आपने कभी नहीं देखा होगा, बहुत ही सुंदर सा नज़ारा देखने को आपको मिलेगा अभी जब हम ये गांव से बाहर निकल के खेतों की तरफ आ जाएंगे। पूरी सुकून भरी एकदम शांति, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, एक पीस के जैसा फील होगा। अगर आप कभी भी अपने माइंड को शांत करके कुछ भी सोचना चाहते हैं या किसी बात से डिस्टर्ब्ड है तो आप वहाँ जाके बैठोगे तो ट्रस्ट में आपको बहुत ही शांति मिलेगी। तो ये देखो कितना सुंदर सा नज़ारा है, और गैया देखो यहाँ पर चर रही है और बिल्कुल शांति है और हल्की हल्की हवा चल रही थी। शाम का समय था, 6 o'clock के आसपास हो रहा था, तो बहुत ही अच्छा सा एक नज़ारा क्रिएट हो गया था। वो देखो पीछे कितना सुंदर सा पहाड़ है, ग्रीनरीज है, खेत खलियान है, और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिला था। और दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था, एक दो लोग ही दिख रहे थे जो अपने खेतों से काम करके वापस जा रहे थे। तो हम भी यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए थे और हमने बहुत मस्ती की यहाँ पर, बहुत सारे रील्स वगैरह शूट किए हैं। आप इस एक वीडियो मैंने इस वीडियो के फ्रंट पर ऐड किया है और बहुत सारे रील्स आपको इंस्टा पर देखने को मिल जाएंगे। नहीं देखा है तो मेरे अबाउट सेक्शन से इंस्टा का लिंक लेकर और आप ज़रूर उस एक बार जाके देख के आना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी टैग कर दूँगी। तो ये ब्यूटीफुल नज़ारा पर हम थोड़ा सा बैठने का जगह था यहाँ पर, तो हम लोग बैठ कर यहाँ पर बातें कर रहे थे और एक छोटू सा तालाब भी था यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि फ्रंट कैमरा से थोड़ा सा व्यूज़ आपको दिखा देती हूँ। ये देखो थोड़ा सा फ्रंट कैमरा से हमने यहाँ पर का व्यूज़ दिखा दिया है और मम्मा को बहुत अच्छा लग रहा था। वो यहाँ पर बहुत देर तक वॉक कर रही थी, हम बहुत देर तक यहाँ थे, पूरा शाम हो गया था, फिर हम वापस गए थे। फाइनली हम अब घर वापस जा रहे हैं और पीछे आपको पिंक ड्रेस में जो लड़की दिख रही है ना, कितनी छोटी है और उसकी कल शादी है। जब ये वीडियो आपके पास जाएगा तो उसकी शादी भी हो चुकी होगी, तो उतनी छोटी बच्ची की हमारे इस गांव में शादी होती है और अभी 10th में है वो शायद, और उसकी शादी है, गरीब है इस वजह से उसके माता पिता ने जल्दी शादी दे दी है। तो ये देखिए हम घर को वापस जा रहे हैं और मैं आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपने इतना ब्यूटीफुल सा नज़ारा एंजॉय किया होगा और मैं मिलती हूँ जल्दी एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, स्टे कनेक्टेड गाइज, बाय बाय।